तो राम राम सभी भाइयों को। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो भाई मैं पिछली वीडियो में लेकर आया था कुछ कारें और उनको बना देता पूरा गोल्डन का, और आपसे पूछता कि भाई इन गाड़ियों को जो बेचने के लिए प्राइस है वो कितना रखना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, आप लोगों में से किसी ने भी नहीं बताया कि इसका प्राइस क्या डालना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं गाइस, आज हम इनको करने वाले हैं सेल। तो गाइस चलो इनको सेल करते हैं। और भाई आज मैं लाने वाला हूँ भाई अपने गेम में जो है वो एक सुपर कार। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, एंड चैनल पर नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैं पहुंच गया हूं अपने कंप्यूटर पर और यहां पर वेब पेज खोला, एंड भाई जो इसका प्राइस है वो $43,000 है। तो मैं इसका प्राइस डाल देता हूँ सीधा 2 लाख, और इसको लगा देता हूँ भाई सेल पर। एंड अजोन सी टोयोटे की सुपर है भाई, इसका प्राइस है 16,000, तो इसको सीधा 3 लाख रुपये में लगा देता हूँ। और इसका भाई 16,500 है, तो भाई इसको मैं 10 बढ़ाकर और कर देता हूँ आगे। और अभी बची हुई है मर्सिडीज की C63, तो भाई इसका प्राइस डालता हूँ मैं सीधा 155 लाख रुपीज़, एंड इसको भी लगा देता हूँ भाई सेल पर। और जो अपनी BMW की है भाई, इसका भी प्राइस डालता हूँ मैं सीधा 13,000, तो भाई इसका भी मैं 30,000 प्राइस डालकर इसको भी लगा देता हूँ सेल पर। और ये सभी गाड़ी मैंने सेल पर लगा देती है। और भाई अब कस्टमर भी आने शुरू हो गए हैं, तो भाई इनसे बातचीत कर देखते हैं। तो भाई ये टोयोटा की सुपरा के दे रहा है मेरे को 85,000, तो भाई मैं इनसे बार्गेन कर ये गाड़ी जो है इनको 95,000 में बेच देता हूँ। एंड भाई उसी के साथ ये अंकल हमसे नाराज़ होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इन अंकल को जाने दो और मैं चलता हूँ भाई अपनी दूसरी गाड़ी के पास, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर भी वेट कर रहे हैं। तो भाई ये मेरे को दे देता है इस गाड़ी के 68,000, तो भाई मैं इसको तो यहाँ से भगा देता हूँ। भाई ये 64 ही दे रहा है, तो खैर इसको भी भाई मैं यहाँ से भगा देता हूँ। और भाई ये भी 64 दे रहा है, तो भाई ऐसा क्या ये गाड़ी और ऊंचे दाम पर बिकेगी नहीं। तो भाई मैं इसको 18,000 का जो है वो ऑफर देता हूँ, लेकिन ये मेरा ऑफर जो है ठुकरा देता हूँ, मैं इसको भी भगा देता हूँ। एंड अब चलता हूँ भाई इनके पास। तो भाई ये मर्सिडीज C63 है जो कि मिलाया था 35,000 की, तो भाई ये मेरे को दे रहे थे 60,000, तो अब इनको नहीं बेचता हूँ। और अब इसके पास भाई टोयोटा की कैलोरा, तो भाई इससे पूछता हूँ, ये 38,000 दे दिया मेरे को, तो भाई मैं इसको देता हूँ सीधा 45,000 की ऑफ़र। और भाई ये ऑफ़र को ठुकरा देती है, तो फिर भाई मैं इसको देता हूँ सीधा 42,500 का ऑफ़र, लेकिन ये इसको भी ठुकरा दे देती है। तो खैर कोई बात नहीं भाई, ये लास्ट ऑफ़र देता हूँ मैं इसको 41,000 का, जिसमें कि गाड़ी जो है वो भाई खरीद कर ले जाती है। अब बची थी सिर्फ हमारे पास 3 ही गाड़ियाँ, जो कि है एक BMW, जिसके भाई मेरे को दे रहा है 20,000, जिसको कि मैं लाया था 7,800 की, तो भाई मैं इसको जो है वो 25,000 का जो है वो ऑफ़र देता हूँ। तो भाई ये उस ऑफ़र को तो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मैं जैसे भाई इसको 23,000 का जो है वो ऑफ़र देता हूँ, तो भाई ये एकदम से गाड़ी को जो है वो लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अभी अपने पास बची हुई है सिर्फ 2 गाड़ियाँ, जो कि एक है मर्सिडीज़ एंड एक का भाई अब मेरे को नाम नहीं पता। तो भाई मैं पहले मर्सिडीज़ को बेचता हूँ, तो भाई ये मेरे को दे रही है 16,000, तो भाई मैं इसका ऑफ़र अभी नहीं, लेकिन ये भी मेरे को 60 दे रहा है, तो भाई मैं इसको ऑफ़र देता हूँ सीधा 68,000 का, जिसमें कि इसको गाड़ी को लेकर भी चला जाता है। और फिर भाई अपनी बची हुई है लास्ट गाड़ी, जिसके मेरे को दे देता है 69,000, तो भाई मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए वेट कराता हूँ। और ये मेरे को दे देता है 68, और भाई ये भी मेरे को 68 दे रहा था, तो मैं इन दोनों को तो यहाँ से भगा देता हूँ। और जो ये 69 दे रहा था भाई, इससे मैं जाकर बार्गेन करता हूँ, एंड भाई इसको ऑफर देता हूँ सीधा $75,000 का, जिसमें कि ये गाड़ी जो है वो लेकर भी चला जाता है। तो ओल्डन गाइस, अभी अपने पास जो है वो सारी गाड़ियाँ तो बिक चुकी है, तो भाई अब चलता हूँ मैं सीधा सोने के लिए। तो गाइस मैं सोकर उठ गया हूँ, और भाई मैंने जो है वो गेम के बीच में भाई थोड़ी बहुत गाड़ी जो लाकर वो बेच दी थी, तो भाई वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो वीडियो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। तो खैर कोई बात नहीं भाई, आज अपने पास $56,000। तो भाई आज मैं चलता हूँ सीधा कार मार्केट, क्योंकि कार मार्केट प्लेस अभी ओपन है, वहाँ पर देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हुई है। तो भाई ये पहुँच गया मैं कार मार्केट, एंड भाई अब सीधा चलता हूँ भाई कार मार्केट। तो भाई शुरुआत में ही मेरे को दिख गई है लैम्बोर्गिनी, मॉडल तो नहीं पता लेकिन लैम्बोर्गिनी तो दिख गई है। और भाई उसी के साथ
काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है। और भाई एक और ब्लैक कलर में लैम्बोर्गिनी, इससे इसका प्राइस पूछता हूँ तो भाई ये है 17 लाख रुपीस के। भाई अभी इतने पास जो है पैसा नहीं है, तो भाई ये आई हुई है पता नहीं कौन सी है भाई, मैकलेरन जो कि है भाई 22 लाख रुपीस की। भाई जेब में पैसा क्या है, तो भाई ये तो महंगी महंगी गाड़ी आई आने लग गई। भाई एक और मैकलेरन जो कि है 22 लाख रुपीज़ की। तो भाई अब सीधा चलता हूँ मैं अपने औकात वाली गाड़ी, तो भाई इनसे पूछता तो भाई ये दे रहा है 18 लाख रुपीज़ की। अब इस लाल वाली के पास चलता हूँ तो भाई इससे इसका प्राइस पूछता हूँ तो ये दे रहा है मेरे को 6 लाख की। और मेरे पास है अभी 5,66,000। तो भाई मैं इससे बार्गेन कर जो ये गाड़ी है भाई 5,50,000 की जो है वो बाय कर लेता हूँ। और फाइनली भाई मैंने अपने गेम में जो है एक सुपर कार परचेस कर लिया जो कि है लैम्बोर्गिनी, लेकिन लैम्बोर्गिनी के जो है पूरा नाम नहीं पता। तो भाई इसको लेकर चलता हूँ सीधा मैं अपने ऑफिस एंड भाई वहाँ पर जाकर इसको कराऊँगा अपग्रेड। और साउंड सुनो भाई आप लोग, क्या क्रेजी साउंड आ रहा है। तो भाई चलो मैं पहुँचने वाला हूँ अपने ऑफिस एंड भाई पहुँच गया हूँ शॉप पर भी। तो चलो भाई शॉप के सीधा अंदर चलता हूँ और इसको थोड़ा बहुत जो है वो अपग्रेड कराता हूँ। भाई इसको रिपेयर कराऊँगा नहीं, क्योंकि भाई इसका जो है वो रिपेयर बहुत ही महंगा होता है। तो भाई इसका रिपेयर है 51,000 का और अभी मेरे पास है 16,000। तो भाई बस इसका कलर चेंज करा लेता हूँ। तो भाई इसका कलर मैं सोच रहा हूँ कि इसका कलर जो है भाई वो वाइट करा लेता हूँ। तो भाई मैंने इसका कलर जो है वो वाइट करा लिया। तो भाई अब थोड़ा इसका जो है वो व्हील भी चेंज कर देता हूँ। तो भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जो ये 9 वाला व्हील है भाई मैं इसको लगा कर देखता हूँ। तो ये इस गाड़ी पर काफ़ी अच्छा जो है वो लग रहा था, तो भाई मैं इसका व्हील लगाता हूँ एंड इस पर भी भाई पेंट कर देता हूँ। और सीधा बाय कर भाई अब जो है वो गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है, तो इसको थोड़ा बाहर लेकर चलता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ भाई आप लोगों को कि जो अपनी गाड़ी है वो भाई कैसी लग रही है। तो भाई ये कुछ ऐसी लग रही है अपने गाड़ी। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो हमको इसका कलर है भाई वो कैसा लगना चाहिए। तो फाइनली भाई हमने अपने शोरूम पर ला कर खड़ी कर दी है एक लैम्बो। और आप लोग बताओ कि हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखनी चाहिए या इसको भाई सेल पर लगा देना चाहिए, जो भी आप लोग बोलोगे हम वही करेंगे। तो भाई फाइनली अपने परचेज कर लिया लैम्बोर्गिनी। तो बस आज किस वाली वीडियो में तो नहीं, उम्मीद करते हो कि आप लोगों को जो वीडियो है भाई अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।